बुखारी शरीफ की रिवायत है, रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला बंदरों और खिंजीरों की शक्ल दे देगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो कलिमा नहीं पढ़ते होंगे? आपने फरमाया, कलिमा ही नहीं पढ़ते होंगे, युसल्लूना व यसूमूना व यहुज्जूना, वो नमाजें भी पढ़ने वाले होंगे, वो रोज़े रखने वाले होंगे, हज करने वाले होंगे, उनको अल्लाह बंदरों और खिंजीरों की शक्ल दे देगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पूछा गया उनका जुर्म क्या होगा, आपने फरमाया कि वो रातों को गाने सुनेंगे, मौसीकी सुनेंगे, और गाने सुनते सुनते सो जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला उनको बंदरों और खिंजीरों की शक्ल में मस्क कर देगा, बना देगा। ये गाना जो है ये जायज़ नहीं है सुनना, और इसके साथ जो ये बजने वाली चीज़ है, जो मौसीकी है, इसके साथ जो बाजा बजता है, ये इसकी आवाज़ सुनना जायज़ नहीं है। रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपके कान में मौसीकी की आवाज़ आई। पूरी रिवायत इस तरीके से है, हज़रत नाफ़े बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु गुज़र रहे थे एक मकाम से, उनके कान में मौसीकी की आवाज़ आई। ये जो गाने के साथ में बजते हैं ना मौसीकी, तो इसकी आवाज़ आई, तो उन्होंने अपने कानों में इस तरह उंगलियाँ लगा ली, और हज़रत नाफ़े फरमाते, मैं छोटा था तो मुझे कहा कि जब ये आवाज़ बंद हो जाएगी फिर मुझे बता देना। तो थोड़ी दूर गए, उन्होंने रास्ता भी बदल दिया, और थोड़ी दूर गए तो आवाज़ बंद हो गई, फिर मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने कानों से उंगलियां निकाली और उसके बाद बताने लगे कि ऐसे ही एक मरतबा रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, मौसीकी की आवाज़ आई, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगलियाँ लगा ली, और उसके बाद मुझसे कहा कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं, मुझसे कहा कि जब ये आवाज़ बंद हो जाएगी मुझे बताना। फिर थोड़ी दूर हम गए, आवाज़ बंद हो गई, फिर मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आपने कानों से अपनी उंगलियों को निकाला, और हम मस्त हैं, गाने सुनते हैं घर में। जो है आजकल ये मोबाइल छोटा सा शितुंगड़ा है, बच्चों ने लिया हुआ है और गाने सुन रहे हैं, और हम भी वहीं पर होते हैं, उनको मना नहीं करते हैं। डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही वो हो जाएं जिनके बारे में वईद बयान की गई थी कि उनको बंदरों और खिंजीरों की शक्ल दे दी जाएगी। रात को वो मौसीकी सुन रहे होंगे और गाने सुन रहे होंगे, गाने सुनते सुनते सोएंगे या जाग ही रहे होंगे, उसी हालत में अल्लाह ताला उनको बंदरों और खिंजीरों की शक्ल दे देगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फरमाए ये नमाज़ पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, हज करने वाले होंगे, अल्लाह बचाए।